Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। जब से कोरोना आया है तब से बड़े बड़े दिग्गजों को अपने मुंह में निगलता नजर आ रहा है। बात करें कि बिहार की राजनीति से एक बुरी खबर आई है, और बुरी खबर यह है कि आरजेडी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमण के बाद निधन हो गया है। बात करें तो वो सजा काट रहे थे और सजा काटने के दौरान वो तिहाड़ जेल में बंद थे, और तिहाड़ जेल में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान फाइनली आज इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। लेकिन जब से अलविदा कहे हैं तब से कई नेताओं का आरोप भी है कि जेल में बंद थे इसलिए उनको सही तरीके से इलाज नहीं दिया गया, और सिस्टम के आगे शहाबुद्दीन ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद से सिस्टम पर लोग काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें तो इस खबर के बाद पूरे यूपी की राजनीति में भी हड़कंप मच गया है, और वजह यह है कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका इलाज जेल प्रशासन के अंडर में चल रहा है। तो अब आप सोचिए कि इतने बड़े नेता शहाबुद्दीन, जो कि तिहाड़ जेल में बंद थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और उनके इलाज में जिस तरीके की कहीं ना कहीं कमियां बरकी गई है, जिसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर अगर मुख्तार अंसारी के कान में भी ये खबर पहुंचती है तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि एक परिवार का सदस्य और एक कहीं ना कहीं जेल प्रशासन, दूसरे पर दोनों अगर तरीके से बात की जाए तो दोनों में कौन ज़्यादा आपके लिए ट्रस्टेबल है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शायद इस खबर से कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, और मुख्तार अंसारी भी कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन की खबर सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि उनके परिवार को और उनको पहले से ही भरोसा नहीं है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनको अच्छा इलाज दे रही होगी, और इस खबर को लेकर उनमें काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं बेचैनी भी नजर आ रही है। तो वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी के जुनेता आजम खान जो सांसद हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और उनका भी इलाज जेल प्रशासन के अंडर में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन बड़े दिग्गज नेताओं के लिए भी एक मुश्किल भरा पल होगा, क्योंकि शहाबुद्दीन जिस तरीके से इस दुनिया को अलविदा कह गए, उसके बाद से जिस तरीके से सिस्टम पर आरोप लग रहा है, तो ये भी उसी सिस्टम के जो है कहीं ना कहीं अंडर में है, और जेल प्रशासन के अंदर में अपना कोरोना का इलाज करा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों का इलाज क्या बेहतर तरीके से हो पाता है, या फिर शहाबुद्दीन जैसा ही मामला इन लोगों का भी साथ नजर आता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.